अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट को पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर साथियों आपको लेकर आया हूँ वो आ रही है डेमोग्राफी को लेकर। तो साथियों, कुवैत में अभी वहाँ डेमोग्राफी किया गया दोस्तों, एक स्टेटस निकाला गया है कि कुवैत में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कुवैती वहां पे कितना काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टेटस निकाला गया तो सबसे ज्यादा कुवैती जो है वो काम करना गवर्नमेंट सेक्टर में पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम लोग कुवैती वहां पे काम करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको सारी सुविधाएं वहां से प्राप्त नहीं की जाती है, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके वजह से कुवैतियों को कुवैती जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम दिखाई देते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सपर्ट लोगों को वहां पे रखा जाता है। तो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है आज के दिन कि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फहद अल सहीन साहब की तरफ से ये बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में यदि आप लोग अब काम करते हो तो आपको सारी वो सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाता था। क्योंकि साथियों, हो क्या रहा है कि अभी ज्यादा लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना पसंद करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में उतना जॉब बचा हुआ नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में लोग कुवैती लोग जाना नहीं चाह रहे, तो इसी को लेकर ये अनाउंसमेंट की गई है। तो जो भी लोग कुवैती अब यदि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सारी सुख सुविधाएं जो गवर्नमेंट सेक्टर वालों को दी जाती है वो सारी सुविधाएं जो है वो अब कुवैतियों को अब दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, तो दोनों की तरफ से साथियों आज के दिन एक कैंपेन चलाई गई थी, ज्वाइंट कैंपेन। तो ज्वाइंट कैंपेन के दौरान साथियों अल सुवेक जलीब अल सुवेक एरिया में सिर्फ 2 घंटे के अंदर 1020 ट्रैफिक वॉयलेशन को वहां पर दर्ज किया गया, जिनमें से अलग अलग टाइप की दोस्तों वहां पर वॉयलेशन को दर्ज किया गया। यह भी बताया गया है इनमें लगभग 10 एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया गया है जो कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। तो दोस्तों, आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा वहां पे वॉयलेशन को पाया गया है जो कि अलग अलग टाइप के, कुछ गाड़ी स्पीड चला रहे थे, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, मतलब अलग अलग टाइप की जो वॉयलेशन होता है ट्रैफिक की तरफ से उसमें दर्ज किया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की तरफ से, तो बताया ये गया है कि दोस्तों मोसा टू लॉन्च ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो दोस्तों, मोसा की तरफ से एक नया एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में मैं तफसील से कल की वीडियो बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो अभी मैं इतना बता देता हूं कि मोसा की तरफ से एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है जो कि पूरा ऑटोमेटिक कर देगा, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ कल की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जो कि साथियों आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुकी है, लगातार चल रही है, तो जिसकी वजह से यह बताया गया है कि कुवैत में इस पर भारी इफेक्ट पड़ा है क्योंकि साथियों भारी मात्रा में दोस्तों जो वीट वगैरह होती है, चावल वगैरह या फिर गेहूं वगैरह भारी मात्रा में यूक्रेन से पहले लाया जाता था, जिसकी वजह से जंग के दौरान वो ट्रांसपोर्टिंग वो एक्सपोर्टिंग जो है वो बंद कर दिया गया, इसी की वजह से कुवैत में काफी ज्यादा चीजें महंगी होती जा रही है। अगली खबर दोस्तों चलते हैं, जो कि साथियों मुबारकिया से आ रही है। तो साथियों आपको पता होगा लगभग 1 महीना पहले रमजान के दौरान मुबारकिया मॉल शॉप में दोस्तों आग लगी थी जो कि बहुत ही ज्यादा भीषण आग थी, बहुत ही ज्यादा उससे नुकसान हुआ था। तो साथियों उसको लेकर कैबिनेट लगातार वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इस पे बैठक कर रहे थे, तो फाइनली साथियों 6 मिलियन कुवैती दिनार का बजट पास हो गया है। मुबारकिया जो जलकर पूरा जल गया था वो सभी को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए यानी दोबारा स्टार्ट करने के लिए, तो ये 6 मिलियन कुवैती दिनार का फिलहाल अभी पास हुआ है। यदि आगे और भी ज्यादा होता है तो मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी। यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।